आइए जानते हैं सामान्य विज्ञान के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर क्या है। पार्ट नंबर टू, क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन है, भविष्य का ईंधन क्या है? और इसका आंसर है हाइड्रोजन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ, और क्वेश्चन नंबर टू है, परमाणु रिएक्टर में किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? और इसका आंसर है यूरेनियम। यूरेनियम ईंधन का परमाणु में प्रयोग किया जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इसका आंसर है जे थॉमसन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ, क्वेश्चन नंबर फोर है, गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? और इसका आंसर है मीथेन। मीथेन गैस गोबर गैस प्लांट से उत्पन्न होती है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ, क्वेश्चन नंबर फाइव है, ग्रेनाइट किस में पाया जाता है? और इसका आंसर है आग्नेय सेल। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला रसायन कौन सा है? और इसका आंसर है पोटासियम फास्फेट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेवन है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? और इसका आंसर है 120 दिन का। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एट की तरफ, क्वेश्चन नंबर एट है, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? और इसका आंसर है लोहा। लोहा तत्व हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ, क्वेश्चन नंबर नाइन है, दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? और इसका आंसर है कैसीन। कैसीन तत्व दूध में पाया जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टेन की तरफ, क्वेश्चन नंबर टेन है, ऊटनी का गर्भकाल कितना होता है? और इसका आंसर है 320 से 350 दिन का। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 है, सबसे कठोर धातु कौन सी है? और इसका आंसर है प्लेटिनम। प्लेटिनम सबसे कठोर धातु होती है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 है, वायुमंडलीय दाब को किसमें मापा जाता है? और इसका आंसर है बैरोमीटर। बैरोमीटर में वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? और इसका आंसर है लिथियम। लिथियम धातु सबसे हल्की धातु मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? और इसका आंसर है हीलियम। हीलियम गैस गुब्बारों में भरी जाती है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 है, कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? और इसका आंसर है स्टार्च का। स्टार्च का बना होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।